Hello friends, this is Suman Ford and welcome back to my channel, The Learning Quiet Spoken Academy. Friends, in this video, I'm going to teach you one advanced level structure, which will enhance your English very soon. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, video ko shuru karne se pehle kuch baatein main yahan pe share karna chahunga, jo ki aapke liye bahut zyada important hai. Friends, maine bahut sari aisi video bana rakhi, jo ki aapke English ko behtar se behtareen bana sakti hai. Friends, agar aapne us video ko dekh liya, to uske liye bahut bahut dhanyawad aapka. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर बोलचाल की दुनिया में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, वह रोज नया गुल खिलाता है, आप रोज नया गुल खिला रहे हो, वे लोग नया रोज नया गुल खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो हिंदी के सेंटेंसेज आप देख रहे हो उसमें जबरदस्त फ्रेज आ रहा है, नया गुल खिला। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट न्यू मिसचीफ, टू क्रिएट न्यू मिसचीफ। तो फ्रेंड्स, इस क्रिएट न्यू मिसचीफ को बारीकी से, शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के आइए इसे स्ट्रक्चर में तब्दील करते हैं और कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं ताकि आपको सत्ता से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक निकालिएगा और स्ट्रक्चर को नोट कीजिएगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस क्रिएट अ न्यू मिसचीफ प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस क्रिएट अ न्यू मिसचीफ प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर क्रिएट में ही चेंजिंग होगा क्योंकि यहाँ पर क्रिएट मेन वर्ब है, इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी चेंज होगा क्रिएट में होगा क्योंकि क्रिएट यहाँ पे मेन वर्ब है। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, नंबर वन एग्जाम्पल हमारा, फैशन के दीवाने लोग रोज नया गुल खिलाते हैं, फैशन के दीवाने लोग रोज नया गुल खिलाते हैं। फैशन कॉन्शियस पीपल क्रिएट अ न्यू मिसचीफ एवरी डे या डेली, फैशन कॉन्शियस पीपल क्रिएट अ न्यू मिसचीफ डेली या एवरी डे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर वन एग्जाम्पल आपको सत्ता से अच्छे से समझ में आ गया और इसमें मैंने बहुत जबरदस्त वोकैबुलरी भी ऐड किया है, आप उसको अपने नोटबुक में अलग से लिखे। फैशन कॉन्शियस पीपल मतलब वैसे लोग जो फैशन के दीवाने हैं, नई नई जो ट्रेंडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रखना, वैसे लोग हम लोग बोलते हैं फैशन के दीवाने लोग। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ नंबर वन समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर टू एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, नंबर टू एग्जाम्पल है, वह खूबसूरत महिला रोज नया गुल खिला रही है, वह खूबसूरत महिला रोज नया गुल खिला रही है। दैट ब्यूटीफुल वुमन इज क्रिएटिंग अ न्यू मिसचीफ डेली, दैट ब्यूटीफुल वुमन इज क्रिएटिंग अ न्यू मिसचीफ डेली। अब देखिए, यहाँ पे क्रिएट में मैंने आई एन जी लगा दिया, क्यों, क्योंकि बात कंटिन्यूअस टेंस की हो रही है इसलिए मैंने इसमें आई एन जी लगाया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ नंबर सेकंड एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आपका जो फेवरेट वन एग्जाम्पल होगा आप मुझे कमेंट करके बताना, सर दिस इज माई फेवरेट वन एग्जाम्पल, ये मेरा फेवरेट वन एग्जाम्पल है। और अगर आपका फेवरेट एग्जाम्पल नहीं भी होगा तो आप मुझे कमेंट करके अपने से जो आप जनरेट करो वो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपने अच्छे से सीखा और खुद से जनरेट करना भी सीख गया है, और उस कमेंट को मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स, नंबर थर्ड एग्जाम्पल है, दिग्गज लोग रोज गुल खिलाते हैं, दिग्गज लोग रोज गुल खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। हैवी वेट्स क्रिएट अ न्यू मिसचीफ डेली, हैवी वेट्स क्रिएट अ न्यू मिसचीफ डेली। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी दिग्गज के लिए मैंने बहुत जबरदस्त शानदार वर्ड का इस्तेमाल किया है, वह है हमारा हैवी वेट्स। और हैवी वेट्स कहने का मतलब दिग्गज लोग, बहुत नामी गुरामी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा करो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर थर्ड एग्जाम्पल भी आपको सत्ता से अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर फोर एग्जाम्पल, जो कि हमारा लास्ट है लेकिन बहुत जबरदस्त है। फ्रेंड्स, जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताता हूँ उसमें कुछ ना हमेशा नया ऐड करके देता हूँ वोकैबुलरी को, ताकि आपकी वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट हो, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम नंबर फोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्रेंड्स नंबर फोर एग्जाम्पल है हमारा मैं बचपन से नया गुल खिला रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो टेंस है हमारा, आप जरा ध्यान से, मैं बचपन से एक नया गुल खिला रहा हूँ कि कोई काम पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। याद रखिए, कोई पास्ट का काम, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लिखिएगा, आई हैव बीन क्रिएटिंग अ न्यू मिसचीफ सिंस चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर चार एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एक शॉर्ट शानदार तरीके से बोलने के लिए आई हैव बीन को एक साथ हम लोग जोड़ते हैं आईव बीन, मैं इस तरह से भी बना देता हूँ ताकि आपको एक नई चीज सीखने को मिल जाए। आई बीन क्रिएटिंग अ न्यू मिसचीफ सिंस चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर चार एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ हर वीडियो हर एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ वर्ड सीखने को मिले होंगे और अपना जनरेट करने का तरीका भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी जबरदस्त, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी और इस वीडियो से
थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।